नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर खंडवा पुलिस अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। वही पुलिस ने देर रात कामिंग गश्त के दौरान कई गुंडे, बदमाश और अपराधी किस्म के लोगों को पकड़कर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। खंडवा एसपी मनोज राय के निर्देश पर खंडवा में 11 गुंडे, बदमाशों पर फाइनल जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही 4000 से ज़्यादा अपराधी किस्म के गुंडे, बदमाशों पर पुलिस ने बाउंड ऑवर की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई आचार संहिता से शुरू हुई, जो कि लगातार जारी रहेगी। इसी को लेकर पुलिस ने कल रात्रि में कॉम्बिंग गश्त के दौरान कई गुंडे, बदमाश और अपराधी किस्म के लोगों को पकड़कर आज कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इन सभी आरोपियों को आज जेल भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर एसपी मनोज राय ने क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। 7 मई और 13 मई दो चरणों में खंडवा जिले में लोकसभा के चुनाव होने हैं। आज उसी के लेके सभी जिले के राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों की बैठक ली गई। इस बैठक में 16 मार्च को जब आचार संहिता लगी, उसके बाद से अभी तक क्या क्या कार्रवाई जिले में की गई उसकी समीक्षा की गई। सभी थानों द्वारा काफ़ी अच्छी कार्रवाई अभी की गई है। इसको और ज़्यादा गति देने के लिए निर्देश मैंने दिए हैं। साथ ही अभी जब से आचार संहिता लगी है, 11 बदमाशों को फाइनल जिला बदर के आर्डर भी किए गए हैं। यहाँ पे करीब 4000 से ज़्यादा की संख्या में लोगों को बाउंड ओवर कराया गया है। 110 की कार्रवाई की गई है। अवैध शराब, अवैध शस्त्र और जो लाइसेंसी हथियार हैं उनको जमा कराने की कार्रवाई, और जो अस्थाई वारंटी और गिरफ्तारी वारंटी हैं उनको लगातार गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी की जा रही है। 18 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया खंडवा में शुरू होगी, उसको लेके भी हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और मुझे उम्मीद है कि शांतिपूर्वक खंडवा जिले में चुनाव।